हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं टेक्नो के स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। 7 इंच की डिस्प्ले है और 6000 mAh की यहां पर आपको बैटरी मिल रही है। तो ये सारी खूबियां हैं इस स्मार्टफोन में। देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और फोन का लुक कैसा है। साथ ही इसके कैमरे को भी टेस्ट करेंगे और इसका मैं रिव्यू करूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा देखने को सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अमेजन से आया था और बॉक्स को बहुत ही सेफ्टी से मैंने अनबॉक्स किया। साथ ही ये फ़ोन आपके सामने है, स्पार्क पावर 2, जिसका बहुत ज़्यादा दिनों से इंतज़ार था और फ्लैश सेल में इसे मैंने लिया है। बड़ी मुश्किल से मिला, सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ पर 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। स्पार्क पावर 2 यानी पावर आ चुका है, उसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, वो मेरे चैनल पे है। तो जल्दी से बॉक्स को खोल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और बिल्ड क्वालिटी कैसी है। साथ ही कैमरा टेस्ट भी करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बिग डिस्प्ले है जैसा कि देखने से लग रहा है और बैक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 3 कैमरे दिए गए हैं बैक में और 1 कैमरा केवल दिखाने के लिए हैं। साथ ही क्वाड LED लाइट दी गई है, यानी 4 LED लाइट है जो आपको दूर से ही दिख जाएगी। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हाथ में लेने पे ही पता पड़ता है फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है इस रेंज में। क्वाड कैमरा, तो देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर यूजर मैनुअल मिलता है आपको और वारंटी कार्ड 12+1 मंथ का। साथ ही एक बैक कवर आपको मिल जाता है, बैक कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। वैसे ये फ़ोन 6000 mAh बैटरी और 7 इंच की जो डिस्प्ले है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। यहाँ पर आपको माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिलता है। इसके अलावा आपको एक पावर एडेप्टर मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन फास्ट चार्ज है, आपका फ़ोन बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। अब फ़ोन को देख लेते हैं, इसके फीचर्स भी देखेंगे साथ ही कैमरा क्वालिटी टेस्ट भी करेंगे। तो ये है इसका बैक डिज़ाइन। पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, 16 MP, 5 MP और 2 MP। यहाँ पर सिम ट्रे है, 2 सिम और 1 SD कार्ड आप लगा सकते हैं। और एक ये मैजिक की दी गई है, मैजिक की का उपयोग आप गेम खेलते वक्त भी कर सकते हैं और कुछ स्पेशल जो चीज़ें हैं वहाँ पर इस मैजिक की का उपयोग कर सकते हैं। सारी चीज़ें नीचे की तरफ दी गई हैं, 3.5 mm जैक, माइक और लाउड स्पीकर। चलिए फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं और इसका टच चेक करते हैं। टच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस फ़ोन में आपको सभी लेटेस्ट चीज़ें मिल जाएंगी, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, ये सारी लेटेस्ट मिलेंगी। फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, AI सेल्फी कैमरा। और इस फोन में MediaTek Helio P22 प्रोसेसर दिया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.0 GHz है। 7 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है जिसके ऊपर एक प्रोटेक्शन ग्लास भी लगा हुआ है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है लेकिन ग्लास काफ़ी मोटा है, डिस्प्ले काफ़ी मजबूत है। तो इसका कैमरा भी चेक कर लेते हैं। कैमरे में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। वैसे टेक्नो कंपनी का कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मैंने खुद यूज किया हुआ है इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक में जो कैमरे हैं वो डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं। 6000 mAh की एक पावरफुल बैटरी है। 9999 इस फ़ोन का प्राइस है, फ्लैश सेल में अवेलेबल है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिए और आपका क्या कमेंट है, क्या सजेशन है मेरे चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।